मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो जा ना, सुबह सुबह नींद खराब कर दिया। रिंकी क्या तुमने होमवर्क किया है? हाँ मैंने किया है। ओह तो तुमने होमवर्क किया है, लेकिन तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर गरीब जो रहना है। मेरी कॉपी मुझे वापस दो। नहीं दूंगी, क्या कर लोगी? मुझे वापस दो। ओह शिट, मैंने तो उसको फाड़ दिया गलती से, सॉरी। हाय क्या खा रही हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ। ओह ये तो बेचारी चिप्स खा रही है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह लंच नहीं बनाती हैं? या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए? ओके तो सबने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया, लेकिन रिंकी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर मैंने होमवर्क किया था लेकिन लेकिन क्या? लेकिन श्रेया टीना और उनके दोस्तों ने मिलकर मेरी कॉपी फाड़ दी। श्रेया टीना, क्या ये सच है? ओह नो सर, ये इतना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। आप क्लास के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई भी इसकी बातों में राजी नहीं होगा। क्यों क्लास बोलो? और वैसे भी सर हम इसकी कॉपी क्यों फाड़ेंगे? हम भी ये झूठा इल्जाम लगा रही है। रिंकी क्या तुम झूठ बोल रही हो? नो सर। तुमने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से तुम झूठ बोल रही हो, इसीलिए स्कूल की छुट्टी के बाद तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम वॉशरूम साफ करोगी। देखो कितनी अच्छी लग रही हो अपना काम करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर से हमारे बारे में कंप्लेन करने की? बोलो, आज तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आगे से मैं औकात मत बोलना, ओके? तूने मुझसे इतना सारा पैसा छुपा के क्यों रखा था, बोल। मम्मी वो पैसे मैंने अपने पढ़ाई के लिए बचा के रखे हैं। चुप कर, तू पढ़ लिख के क्या करेगी? वैसे भी तेरा बाप तो तुझे छोड़ के चला गया है, और वैसे भी तू बड़े होके बनेगी भी तो क्या, किसी घर की नौकरानी? चल ठीक है मैं जा रही हूँ, रात को आऊंगी, दरवाजा बंद कर ले। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे अपने लिए एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर मुझे यहाँ पे काम करना था। देखो अभी हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ। सर प्लीज मुझे काम की बहुत जरूरत है, प्लीज। चलो ठीक है, कल टाइम से आ जाना, समझी? और सुनो, अगर कोई भी गलती की तो तुरंत नौकरी से निकाली जाओगी, तब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? ठीक है। अगले दिन रिंकी वो सब छोड़ो, जल्दी से टेबल नंबर 5 पे कस्टमर आए, जाके उनका ऑर्डर लो। एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर? अरे देखो यहाँ पे वेट्रेस का काम कौन कर रहा, हमारी क्लासमेट। मैंने तो पहले ही बोला था कि पढ़ लिख के करोगी क्या। यार ये स्कूल का बाथरूम साफ करती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर ले, वरना मैं खाने की जगह उल्टी कर दूंगा। रिंकी तुम यहाँ से जाओ, मैं ऑर्डर लेता हूँ। हाँ सर बताइए, आपका ऑर्डर क्या है? देखो जो भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है उसको तुम अपने पास तक रखा करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर आना बंद हो जाए। ठीक है मैं आगे से ध्यान दूंगी। ठीक है जाओ, बाकी के टेबल्स जो भी है उसको साफ करो। रिंकी? यस सर। रिंकी तुम्हारा फीस नहीं जमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपना फीस जमा कर दूंगी। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी, ठीक है? अरे नहीं आज तो लेट हो गया, जल्दी करती हूँ। इतना सज धज के तू कहाँ जा रही है बता? वो मैं काम पे जा रही थी। अच्छा चल जा, कम से कम कुछ कर तो रही है। आज फिर तुम्हें आने में लेट हो गया? वो मुझे स्कूल से आने में लेट हो गया। देखो ऐसे रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा, समझी? मैं आगे से ध्यान दूंगी, जाओ जल्दी काम पे लग जाओ, वैसे भी आज रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ है। सर आपका ऑर्डर? सर दोबारा जरूर आइएगा। रिंकी जल्दी से ये टेबल साफ करो। टेबल नंबर 11 की सफाई कौन करेगा? ये रही तुम्हारी आज की सैलरी, और हाँ आगे से जल्दी आया करो, अगर आगे से लेट हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो फाइनली घर आने का मौका मिल गया महारानी, बताओ आज कितने पैसे मिले? वो अभी पैसे नहीं देते हैं, बोला एक हफ्ते काम करो उसके बाद। अच्छा ऐसा है क्या, ला अपना बैग दिखा। नहीं। ला दे मुझे। हाँ तू ये पैसे कहाँ से आए, बोल, अपनी माँ से झूठ बोलेगी? जिंदगी भर मैंने कमा के तुझे पढ़ाया, और जब तेरी बारी आई तो मुझसे पैसे छिपा रही है। अगले दिन। अरे यार सुबह सुबह मैंने किस मनहूस का मुंह देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। ये कहीं और से नहीं आ सकती थी क्या? स्कूल के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता, अब मैं किस रास्ते से आऊँ? क्या मुझसे जवान लड़ाएगी? बस बहुत हुआ। मे कम इन सर? यस कम इन। सर ये श्रेया टीना और उसके दोस्त मिलकर मुझे परेशान करते हैं, आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं उनको और उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे बात करता हूँ, और अब तुम अपनी क्लास में जाओ।
तेरी हिम्मत कैसी हुई प्रिंसिपल से हमारे बारे में कंप्लेन करने की? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? याद दिलाऊं? रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये तुम्हें नोटिस देना था, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन क्यों सर? पहली बात कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें श्रेया, टीना और उनके दोस्त परेशान करते हैं, और दूसरी बात कि तुम्हारा फीस नहीं जमाया। बेचारी का कंप्लेन भारी पड़ गया उसी के ऊपर। मुझे पक्का पता आपको इनके पेरेंट्स से घूस दिया होगा, है ना? क्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ क्यों, क्या हुआ? मैं गलत बोल रही हूँ? बोलिए। सिक्योरिटी, इस लड़की को मेरी नजरों से दूर लेके जाओ और धक्के मार के स्कूल से बाहर निकालो। चलो यहाँ से चलो। वॉचमैन, स्कूल का दरवाजा बंद करो। ओह नो, अब हम किसे परेशान करेंगे? बट थैंक गॉड, अब हर रोज हमें इस मनुष्य का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। हमने तो इसकी असली औकात दिखा दी। ये क्या है, ये सारा सामान मेरा किसने बाहर रखा? बेटा, ये सारा सामान तो मेरी मम्मी बाहर रखी गई है। वो बोल रही थी कि वो ये घर छोड़ के जा रही है। क्या क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रही है? नहीं, उसने ये तो नहीं बताया, लेकिन वो बोल रही थी अब वो यहाँ पे कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारी माँ ने बोला कि बाकी का किराया मैं तुमसे ले लूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे एक रुपया नहीं लूंगी। थैंक यू आंटी। तो बेटा बताओ, अब तुम कहाँ जाओगी? मुझे नहीं पता। बेटा, कहीं पे भी जाना, लेकिन अपना ख्याल रखना। मेरा पैर क्यों इतना दर्द हो रहा है? मुझे कहीं बैठना होगा। अंकल, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, खाने को तो सब कुछ मिलेगा, तुम बताओ क्या खाओगी? एक प्लेट सैंडविच दे दीजिए। ओए छोटू, एक प्लेट सैंडविच लगा। ये क्या है, इसमें तो किसी का एड्रेस लिखा है, लेकिन ये है किसका? ऑटो। हाँ बोलिए, कहाँ जाएंगी? अंकल, क्या आप इस एड्रेस पे चलेंगे? और उस पर क्या लिखा है? हाँ चलो बैठ जाओ। एक घंटा हो गया, अभी तक हम पहुंचे नहीं। बेटा, तुम्हें जहाँ जाना, अभी वहाँ जाने में और टाइम लगेगा, तो इसीलिए सो जाओ। और मुझे भी सोने दो, I mean गाड़ी चलाने दो। पता नहीं ये एड्रेस किसका होगा। ओके बेटा, तो हम आ गए। और ये रहा तुम्हारा सामान। अंकल, कितना हुआ? 500। ये लीजिए। हाँ, ये किसका घर है? ये तो बहुत बड़ा है। नहीं, शायद मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। रिंकी बेटा, तुम आपको मेरा नाम किससे पता चला? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा दादाजी। दादाजी? हाँ दादाजी। अब जल्दी से अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? दादाजी, क्या ये आपका घर है? ये तो बहुत बड़ा है। हाँ ये मेरा घर है, वो सब छोड़ो, क्या तुम कुछ खाओगी? नहीं। देखो, तुम्हारे पेट को तो भूख लगी है ना, अब तुम अपने दादाजी से झूठ बोलोगी? लगता तुम्हें बहुत दिनों से भूख लगी थी। कोई बात नहीं, इसको खा लो, फिर और ले लेना। खैर, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। जब तुम्हारा बाप यानी मेरा बेटा तुम्हारी माँ से शादी कर रहा था, तभी मैं उसको मना कर रहा था कि इस औरत से शादी मत करिए, तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि उस औरत ने मेरे बेटे से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। लेकिन मेरा नालायक बेटा प्यार में इतना अंधा था कि उसने शादी करके ही मानी। शादी के बाद वो हमेशा लड़ते थे, और जो उनके पास पैसे थे वो सब गैम्बलिंग में लगाते थे। तुम्हारे होने के बाद वो प्रॉपर्टी के लिए मुझसे लड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको मना कर दिया तो वो मेरे सारे पैसे चुरा के इस घर को छोड़ के भाग गए। लेकिन शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे खिलौने के डब्बे में यहाँ का एड्रेस लिख के छिपा दिया था। तो क्या वो एड्रेस आपने रखा था मेरे बैग में? हाँ मैंने रखा था, मैंने सोचा जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम यहाँ पे आ जाओ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतने सालों तक भी वो एड्रेस तुम्हारे पास ही रहेगा। क्यों हुआ बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं दादाजी। देखो बेटा, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी कहानी बता दी, अब तुम बताओ। वो मेरे स्कूल में, फिर जब मैं घर आई तो मैंने देखा मम्मी घर छोड़ के चली गई हैं। तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, मुझे तुम्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। खैर, कल से तुम्हारा चेकअप करवाएंगे, और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक महीने बाद। अरे बेटा बेटा, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हो चुपचाप? वो दादाजी, मैं सोच रही थी जिन लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा किया उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा, वो तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे होंगे। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही बोला, उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। हाय दादाजी, कैसे हैं आप? अरे बेटा, तुम कब आए? जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड हुआ, मैं सीधा आपके पास चला आया। सरप्राइज। इससे मिलो, ये है मेरी पोती। ओ हाय। हाय हाय, मेरा नाम राहुल है। रिंकी बेटा, जब सब कोई मुझे छोड़ के चला गया था तब राहुल ही था, मेरा ख्याल रखता था, बट कुछ साल पहले ये अब्रॉड चला गया था अपनी पढ़ाई के लिए। हाँ लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गया हूँ दादाजी आपके पास। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। दादाजी प्लीज, अब आप इमोशनल ड्रामा मत करिए। वैसे राहुल बेटा, मेरा एक मिशन कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगे? मिशन? लेकिन कैसा मिशन? बदला लेने का, जितने लोगों ने भी मेरी पोती को परेशान किया उनसे बड़ा मजा आएगा। दादाजी,